अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आपके साथ एक इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहे हैं आपके एग्जाम के हवाले से और तालीमी इदारों में तातीलात के हवाले से। इस हवाले से पंजाब के जो वजीर तालीम है मुराद राज साहब, उनकी जानिब से कुछ अनाउंसमेंट की गई है, मैं उसकी तमाम डिटेल आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ। उससे पहले एक चीज की, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो लाइक भी कर लें। अगर सबसे पहले मैं तातीलात के हवाले से बात करूँ, देखें वजीर तालीम की जानिब से कहा गया है कि 1 जून से आपके तालीमी इदारे जो है वो हर सूरत खोल दिए जाएंगे। उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी, लाइक जो आपकी टाइमिंग होगी वो सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक होगी। तमाम क्लासेस को मे भी इकट्ठा एक साथ ना बुलाया जाए, कुछ क्लासेस आप कह सकते हैं कि हफ्ते के इब्तदाई कुछ दिन और जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो आने वाले कुछ 3-4 दिन में बुलाई जाए, इस तरह ताकि सोशल डिस्टेंस बरकरार रखा जाए और ज्यादा रश ना हो। तमाम इस हवाले से जो भी परमानेंट डिसीजन होगा वो आप कह सकते हैं कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर होगा वो कंडीशन देख के वहाँ कोरोना की कैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग करेगा। पूरे पंजाब में कोरोना की सिचुएशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऐसे इलाके जो आप कह सकते हैं रेड जोन में जहां खतरा ज्यादा है वहां हो सकता है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अभी ना खुल सके। यहां पर उन्होंने एक एग्जांपल कोट किया है कि चीन के सुबह वुहान समेत ईरान के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो 18 अप्रैल से खुल चुके हैं, हालांकि वहां पर कोरोना की सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान से काफी ज्यादा खराब। लिहाजा अगर मई के आखिर तक कोरोना का खात्मा हो जाता है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब मैं एग्जाम के हवाले से अगर बात करूँ तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि आपके जो 9th के एग्जाम है उनके हवाले से सजेशन है कि वो आपके मॉडल स्कूल और आपके जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उनमें मुनक्किद किए जाएं। इंटरमीडिएट एग्जाम के वाले से उनका कहना था कि वो 29 जून से जो है वो स्टार्ट कर दे जाएंगे और इस टाइम तक कोरोना का जो आप कह सकते हैं कि रिस्क है, कोरोना का जो खतरा है वो काफी हद तक कम हो चुका होगा। इवन के यहाँ पर उन्होंने ये लिखा कि ये मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका होगा। ताम इसके बावजूद जो है वो सोशल डिस्टेंस बरकरार रखी जाएगी, आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो एडिशनल भी बनाए जाएंगे ताकि अल्लाह ना करे अगर किसी सेंटर पर कोई इशू हो जाता है तो उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल हो। जबकि आपके जितने भी न्यू एडमिशन होने हैं वो तमाम के तमाम एडमिशन 1 जून से होंगे और उसी दिन तमाम स्टूडेंट को जो है वो बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये बुक्स ऑलरेडी जो आपके डिफरेंट स्कूल है वहां पर पहुंच चुकी हैं। ये तो है पंजाब के वजीर तालीम का प्लान, लेकिन एक बात मैं एंड पे फिर जरूर कहूंगा कि ये सब कुछ डिपेंड करता है कोरोना की सिचुएशन पे। अगर सिचुएशन आप कह सकते हैं कि बेहतर होती है तभी ये पॉसिबल हो सकेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट जितनी मर्जी ट्राई कर ले अगर इनके असल ना करे सिचुएशन मजीद खराब होती है तो फिर ये सब पॉसिबल नहीं होगा। इस हवाले से आपने अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप हर किस्म की एजुकेशनल न्यूज हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल काशिफ राइट सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।